यूपी के सीतापुर जिले के कस्बे महोली के रहने वाले संतोष कुमार दीक्षित ने हरदोई में आकर साइलेज बनाने की मशीन लगा रखी है। उन्होंने हरदोई बेनीगंज क्षेत्र में एक जमीन के बड़े से भूखंड को लीज पर लिया, फिर उसके बाद इस मशीन को स्थापित करके साइलेज का प्रोडक्शन शुरू कर दिया, जो कि अब बेहतर तरीके से चल रहा है। संतोष बताते हैं कि उनके पास कामधेनु योजना के तहत लगभग 60 गाय हैं, जिनके बेहतर चारे की व्यवस्था के लिए उन्होंने साइलेज बनाने की मशीन लगाई थी, मगर अब वह इस प्रोडक्शन को बाहर भी सप्लाई करते हैं। संतोष किसानों से उनके खेत से ही मक्के की फसल को मय फल यानी कि भुट्टे सहित खरीद लेते हैं और इसके बाद इस फसल की मशीन द्वारा कटाई की जाती है। जब यह छोटे छोटे टुकड़ों में चारे के लायक हो जाता है तो इसको पैकिंग के लिए मशीन में डाल दिया जाता है। आधुनिक मशीन से इसकी बेहतर तरीके से पैकिंग हो जाती है। वह बताते हैं कि पशुओं के लिए यह साइलेज चारा बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि यह मक्के से बनता है जो कि काफी पौष्टिक होता है। हरदोई में साइलेज का प्रोडक्शन करने वाले संतोष बताते हैं कि उन्हें साइलेज बनाने की मशीन को पंजाब प्रांत से मंगाना पड़ा था। पहले तो वह इसे अपनी डेयरी के लिए प्रोडक्शन के इस्तेमाल में लाते थे, मगर वह इसकी सप्लाई अब बाहर भी कर रहे हैं, जिससे उन्हें अनुमानित वार्षिक आय 5 से 7 लाख रुपए हो जाती है। सर, ये किस तरह का प्रोडक्शन करते हैं और कैसे इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं आप? ये हम मक्के से इसका प्रोडक्शन करते हैं। किसानों के खेत से मक्का भुट्टे सहित क्रश करके लाते हैं, यहाँ मशीन से 1 क्विंटल की और 4 क्विंटल की बेल बनाते हैं। क्या इस्तेमाल है इसका? इस्तेमाल के लिए ये है, सप्लाई होता है ये। वैसे तो बेचने के लिए बड़ी दिक्कतें हैं, अगर सरकार चाहेगी तो हमारी गौशालाओं में इसकी अगर सप्लाई हो जाए तो गायों की दशा और दिशा दोनों भी बदल सकती है। कब शुरुआत की थी आपने? ये हम 5 साल पहले, हमारे पास कामधेनु योजना के अंतर्गत एक स्कीम है, उसके लिए हमने गाय पाल रखी है। 60 से 70 गाय है हमारे पास। हम गायों के लिए ही साइलेज पहले बनाते थे और सप्लाई भी करते हैं। अच्छा, अभी क्या हरदोई में इसकी सप्लाई है? हरदोई में सप्लाई नहीं है बिल्कुल। ये जहाँ आपने ये जमीन है, जिस जगह पे ये लगी जी है, जी, ये आपकी जमीन है या नहीं? जमीन हमने लीज पर ले रखी है और डॉक्टर रंजना जी से और डीएम साहब से अपनी बात रखी है। अच्छे लोग हैं, आश्वासन भी दिया है। विगत वर्षों में हो सकता है सरकारी गौशालाओं में कुछ आदेश कर दें। अच्छा, एक दिन में अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो कितनी खपत हो जाती है? एक दिन में हम 800 से 900 क्विंटल प्रतिदिन इसका उत्पादन करते हैं। अगर वार्षिक अनुमानित आय की बात की जाए तो 5-7 लाख रुपए हो जाता है। अच्छा, इस प्लांट को लगाने में कितना खर्च आया था? इसमें 200 लाख आया है। ये मशीन कहाँ से मंगवाई है? ये हम पंजाब से मंगवाई है। क्या नाम है आपका और कहाँ रहते हैं? संतोष कुमार दीक्षित मेरा नाम है, मैं महोली का रहने वाला हूँ, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट।